हमारे देश में हर साल 15 से 21 नवंबर तक न्यूबॉर्न केयर वीक मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य बच्चों के विकास के लिए नए जन्मे बच्चों की देखभाल के महत्व का जागरूकता है। बच्चे के जीवन के पहले 28 दिन उसके जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी दौरान मौत का सबसे ज़्यादा खतरा होता है और यही 28 दिन बच्चे के आजीवन स्वास्थ्य और विकास के लिए भी ज़रूरी होते हैं। हमारे देश में पिछले साल लगभग 5.25 लाख बच्चों की मौत पहले 28 दिन में हुई थी। इन मौतों के मुख्य कारण प्रीमेच्योरिटी यानी कि 37 हफ्ते से पहले पैदा हुए बच्चे, नए जन्मे बच्चों में इन्फेक्शन और पैदा होते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन का आना यानी कि बच्चों का ना रोना या बच्चों का लेट रोना होता है। बच्चे के जन्म के समय या उसके पैदा होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ज़रूरी स्वास्थ्य उपायों के जरिए बच्चों की मौतें 75% तक कम की जा सकती हैं। बच्चों के पैदा होते ही उनके लिए गर्माहट, माँ का दूध, अच्छे से सांस लेना और इन्फेक्शन से बचाव उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है। इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों के पैदा होते ही कुछ स्वास्थ्य उपाय जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों के पैदा होते ही उनको पूरी तरह से अच्छे से सुखाना, माँ के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखना, जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना, बच्चे के पैदा होने के एक मिनट के बाद उसकी कॉर्ड को क्लैम करके साफ तरीके से काटना, और अगर बच्चा पैदा होने के एक मिनट के बाद तक अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता है तो बैग एंड मास्क के जरिए उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना। बच्चे के एक घंटे के बाद उसके आंखों की देखभाल, विटामिन डी का इंजेक्शन और जो जन्म की वैक्सीन की डोजेस यानी कि BCG, पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी का मिलना ज़रूरी होता। जो बच्चे बीमार हैं या वक्त से पहले पैदा हुए हैं या जिनका वज़न 2.5 किलो से कम है उनको खास देखभाल की ज़रूरत होती है। थैंक यू।